इस पे सारा मीट चढ़ा चढ़ाया है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। उसमें लिखा हुआ है कि आप इनको शो कॉज करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि शो कॉज के बाद आप फैसला करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप फैसले के बाद ईसीपी को लिखेंगे, और उसमें लिखा हुआ है ईसीपी इनको फारिग कर देगी। अभी सारी बातें जब लिखी हुई है तो कोई तशरीह की फिर जरूरत ही नहीं है। आपने आईन के अंदर एक गैर जरूरी चीज डाल दी और उसकी तशरीह भी करके सबके सामने रख दी। लेकिन एक बात क्लियर है, देखिए, और ये अब स्पिरिट भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, नो कॉन्फिडेंस लीडर ऑफ द हाउस में होता है। अगर नो कॉन्फिडेंस पार्टी लाइन के तहत वोट होना होता तो आर्टिकल 95 आईन में होता ही नहीं, जो कि कहता है लीडर ऑफ द हाउस के अंदर कॉन्फिडेंस। क्योंकि आप देखें, अगर आप 180 सीटें लेके जीत के आते हैं पार्लियामेंट में, तो क्या फिर हम ये समझे कि नो कॉन्फिडेंस का जो आर्टिकल 95 का राइट है वो रिडंडेंट हो गया? रिडंडेंट हो गया ना, वो तो फजूल हो गया, क्योंकि फिर तो आप अपनी पार्टी लाइन के तहत वोट करते रहेंगे और फिर वो तो मुसलसल कॉन्फिडेंस एंजॉय करेंगे। लेकिन नहीं, नो कॉन्फिडेंस वोट एग्जिस्ट ही इसलिए करता है, इसलिए बोरिस जॉनसन को, ताकि बोरिस जॉनसन को कंजर्वेटिव पार्टी सिखा सके कि आपके अंदर अब हमें एतमाद नहीं है, ताकि इमरान खान को पीटीआई सिखा सके कि वजीर आजम साहब आपके अंदर हमको एतमाद नहीं है। फॉर वट एवर रीजन, डिबेट हो, मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई सिखाना चाहती है, लेकिन अगर पीटीआई का कोई मेंबर अपनी नाराजगी का इजहार इस हद तक करना चाहता है कि अब आप लीडर ऑफ द हाउस नहीं रह सकते, उसकी आइन के अंदर गुंजाइश है, ये क्रॉस पार्टी लाइन गुंजाइश है। This has to do with the leadership of the house. अच्छा, अब ये no confidence motion की जो तौर तरीकों को रोकने के लिए, उनके ऊपर एक कदगन लगाने के लिए 63A आया है, लेकिन ये कहीं से, देखिए, स्पीकर जो है वो एक कस्टोडियन है। वो जो साकिब निसार साहब प्रिजन फूड खाते खाते कहते थे ना, मैं बाबा रहमता हूँ, वो इस तरह एक्चुअल बाबा रहमते ये स्पीकर है, होना चाहिए। देखिए, स्पीकर के लिए कानून बनते हैं गुड फेथ में, कवानीन बनते हैं और रूल्स बनते हैं ये तसव्वुर करते हुए कि ये सारे एक्टर्स गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं। अगर आप बदनीयती के लिए कवानीन बनाएंगे तो फिर तो हर कानून जो है वो 100 सफ़ों का होगा। आप स्पीकर का, देखिए, स्पीकर को जो इख्तियारात दिए हैं, जैसे प्रोरोग करने का इख्तियार है नेशनल असेंबली का, वो प्रोरोग करने का इख्तियार कहता है कि भाई स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम फैसला करेगा कि बिजनेस ऑफ द असेंबली जो है वो किस हद तक बिजी है या नहीं है, और वो फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट करेगा कि असेंबली बैठे या ना बैठे। अब अगर आप इस ताकत को इस्तेमाल करते हुए रात को 11 बजे असेंबली का सेशन फारिग करते हैं, क्योंकि आपको अगले दिन पता है नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाएगी, या आपको अगले दिन पता है कि डिबेट के अंदर जो अपोजिशन है वो आपसे बाजी ले जाएगी, तो फिर तो ये आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है, कानून में गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश के पीछे नीयत ये नहीं है। अब इसी तरह स्पीकर के पास, जाफरी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे पास वो एक महदूद सा वक्त है। इस वक्त जो बहुत ज्यादा जो बहस चल रही है वो ये है कि आईन के आर्टिकल 63A की जो तशरीह हुकूमत के वुजरा कर रहे हैं, फवाद चौधरी और बैरिस्टर शेख रशीद साहब, तो क्या वो दुरुस्त है? देखिए सलानी साहब, माजरत, मैंने शुरू में, मैं ये मैंने तवील एक तमीज बांधी है, लेकिन मैंने शुरू में ही कह दिया था, ये तशरी की गुंजाइश जब होती, जब आईन का आर्टिकल स्केलेटल होता। जाफरी साहब, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, आईन के अंदर आपको ये चीज नजर आई है, मुझे कुछ और चीजें नजर आई जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन जब तक ये आईन है किसी पे हमने अमल करना है। जी, ये बहस हमारी जारी रहेगी। जी सलानी साहब, मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तशरी एक, देखें, जैसे एक कॉन्वर्सेशन मेरी अहमद बिलाल सूफी साहब के साथ हो रही थी ट्विटर पे, कि मेरी नजर में जो टोटल मेंबरशिप है उसका मतलब है टेकन सीट्स, 172 स्टैटिक नंबर नहीं है, तो यानी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ने वोट करना होगा, यानी कि वो 172 नहीं, 167 भी हो सकती है, एक लोअर नंबर भी हो सकता है, वो टोटल सीट्स ऑफ द हाउस के डिविजन की मेजोरिटी नहीं चाहिए। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये बारीकी है कानून में, एक इबहाम है तो तशरी की जा रही है, लेकिन सर 63A में तशरी की गुंजाइश ही नहीं है, अंग्रेजी पढ़नी है। मैं आपको 63A पढ़ के सुना दूं, उसमें लिखा हुआ है क्या होना है, उसमें लिखा हुआ है कि खता होगी, खता के बाद शोकॉज होगा, शोकॉज के बाद इलेक्शन कमीशन को लिखा जाएगा, तो इसमें तशरी की गुंजाइश का है? ये तो झूठ बोल रहे हैं, आप ये तशरी नहीं कर रहे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत कह रही है वो ये है कि मगज को बाघ में जाने न दीजिए, नाहक खून परवाने का होगा, इससे पहले कि आप गलती करें हम आपको सजा दे देते। सर ये इसकी गुंजाइश इमरान खान साहब की किसी रूहानियत या रहूनियत जो वो कहते हैं उसकी किताब में नहीं होगी। मैं इसको सादा सवाल करता हूँ, अगर लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो अपने अरकान को ये डायरेक्ट करता है कि आज आपने असेंबली नहीं जाना, और उनमें से कोई असेंबली जाता है तो उस पर 63A लग जाएगी। 63A के अंदर
तीन गुंजाइशें लिखी हुई हैं, वोट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑन बजट। इसके अलावा कोई नो कॉन्फिडेंस वाले दिन, नो कॉन्फिडेंस वाले दिन पीटीआई के चेयरमैन ने अपने अरकान को कहा कि आपने असेंबली में नहीं जाना, वो नो कॉन्फिडेंस वाले दिन डिफाई करते हुए असेंबली में चले गए। इसकी वो कोई गुंजाइश हो गई, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग अपने वोटर्स को एक अमानत वो करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, कोई उनको नहीं कह सकता कि आज आप हमें रिप्रेजेंट नहीं, आप पीटीआई का पॉइंट, आप पीटीआई का पॉइंट समझे। वो कहते हैं जब हमने कहा कि असेंबली में नहीं जाना अदम एतमाद वाले दिन, जो चला गया उसने डिफाई कर लिया, वोट डालना जरूरी नहीं है, 63 लग गया जब वो असेंबली के अंदर दाखिल हो गया तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, 63 लग गया, क्योंकि हमने मना किया है अदम एतमाद वाले दिन। ठीक है, उनका पॉइंट समझे। वो कहते हैं हमने अदम एतमाद वाले दिन अपने अरकान को असेंबली में जाने से मना किया है, जो बंदा असेंबली में दाखिल होगा उसको 63 लग जाएगा, वो वोट नहीं डाल सकता। बिल्कुल, मैं आप समझे जी, मैंने ये कहना है कि मैंने जाफरी साहब के मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आज जस्टिस काजी फायज ईसा की एक बड़ी जोरदार किस्म का फैसला आया जी, तो जाफरी साहब मुझे आप ये बताइए कि इसके बारे में क्या जो है आप कहेंगे इस फैसले के बारे में, थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा देखते हैं इसको। रजा साहब, ये मैंने आपकी सच्ची बात है, मैं ये आईन के अंदर और आईन के और रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़ते पढ़ते पूरा दिन मैंने गुजारा है कोर्ट के बाद, मैंने मुझे ये जजमेंट का नहीं पता, लेकिन मैं ऑर्डिनेंसेस के ऊपर जो जनरल कमेंट्री आई थी वो आयरॉनिकली साकिब निसार साहब की आई थी, पीएमडीसी एक्ट के अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन जजमेंट दी थी कि ये पैरेलल लेजिस्लेशन का तरीका नहीं है, पैरेलल लेजिस्लेशन इस तरह नहीं की जा सकती, ये इलीगल है। इसी बात को काजी साहब ने ऑबिटर में तो आगे बढ़ाया है, लेकिन अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई वाज़े फैसला दिया है तो आई एम ईगर टू रीड इट। मैं 63A के ऊपर, अगर 63A के ऊपर मैं अगर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, मैंने वो शिक भी निकाल ली है। देखें, वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग्स इन रिलेशन टू इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर और अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और अ मनी बिल। यहाँ पे मैं आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग। जब तक द मेंबर डजंट वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ये ट्रिगर ही नहीं होता। तो यानी कि आप घर पे शेव नहीं करेंगे, आप घर पे नाश्ता करेंगे या नहीं करेंगे, घर से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये रेलेवेंट है। वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग ट्रिगर है, जिसके बाद आईन ही कहता है अगर ये कर देगा तो फिर उसको शो कॉज करना कि वो इजहार वजू करे कि उसने ये क्यों किया। अच्छा, शो कॉज में भी अगर मैं होता तो मैं शो कॉज में कहता कि मैंने अपनी पार्टी के हक में किया और ये मैं पार्टी के अगले इलेक्शन में कर देता वोट आपके खिलाफ, लेकिन आप इलेक्शन नहीं कराते कभी अपनी पार्टी का, लिहाजा मुझे ये करना पड़ा। यानी कि वो अगर वोट कर भी दे तो भी वो अपने आप को बचा सकता है ये कहते हुए कि मैंने अपनी पार्टी के लिए किया या व्हाट फॉर व्हाटएवर रीजन। देखिए, हम एक जमहूरियत है, हमें जितनी नापसंद है जमहूरियत वो एक अलग बात है, हमें जितनी आमराना सोच और आमराना ताकतें और चीन जैसे ताकत और ये जितना पसंद है ना, शुक्र से हम जमहूरियत हैं। और जमहूरियत के कुछ लबादे होते हैं जो आप मतलब एक हद तक खींच सकते हैं, जमहूरियत की कुछ जमहूरियत की बॉडी एक चीज से ढपी हुई होती है, उसको आप कंप्लीटली ब्रेजन नहीं कर सकते।